पीएम दौरे को सुरक्षा को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने वाराणसी के आईजी विजय सिंह मीणा के साथ खास बातचीत की। सुरक्षा को लेकर क्या है तैयारी, आप भी सुनिए। वाराणसी पर देव दीपावली के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देव उत्सव में शामिल होंगे। सुरक्षा के जो इंतजाम है उन जानने के लिए हमारे साथ आईजी साहब मौजूद से बात करेंगे। सर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है? देखिए, जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है उसको फॉलो कर रहे हैं। जो इसके अंदर हम विशेष इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आगमन होना हो रहा है तो उसके अंदर आम जनता को भी असुविधा ना हो और देव दिवाली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हमने जो मेन यहाँ राजघाट पर जो कार्यक्रम है उसके अंदर एक आईजी लेवल के अधिकारी को इंचार्ज बनाया है और साथ ही उनके सहयोग के लिए एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। प्रत्येक घाट पर जो जो लोग आएंगे हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो उनको फ्रिस्किंग होकर वो घाट में आए ताकि किसी वस्तु को लेकर अंदर ना घुस सके। इसके अतिरिक्त जो जिन जिन घाटों से वोटों के अंदर जाएंगे देव दिवाली का अवलोकन करने के लिए उनका प्रत्येक जगह पर हम लोग DFMD लगा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं जिससे कि चेक होने के पश्चात ही आदमी बोट पर जा सके। इसके अतिरिक्त जो बोटें हैं उनको भी एक निर्धारित कितने लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं इसके लिए उसमें निश्चित किया गया है और सारी व्यवस्थाएं जो प्रत्येक है उसमें अलग अलग सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैं देख रहे हैं। जो हेलीपैड है वहाँ पे व्यवस्था की गई हुई है तो सभी जगह पर व्यवस्था है। करीब 10,000 से अधिक का फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है और अब तक की तैयारियाँ पूरी हैं और उसकी कल हम लोगों ने ब्रीफिंग कर दी थी फोर्स की और अब पिछले दो दिन आज और कल हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। अभी रिहर्सल चल रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर देखा जा रहा है, अधिकारियों से डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं पर कोई कमी है तो और अतिरिक्त फोर्स या किसी और चीज़ की जरूरत हो उसको देखा जा रहा है। सर, त्योहारों को कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है, एक बड़ा उत्सव वाराणसी मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आपको क्योंकि पूरी जब काशी जहाँ जगमग होगी वहीं आप लोग का चुनौती रहेगी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, कोरोना को लेकर हमने यहाँ पर PA सिस्टम लगवाए हैं। अभी भी पूरे शहर के अंदर जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से सूचित किया जा रहा है लोगों को कि सजग रहें, सतर्क रहें और यहाँ पर भी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि VVIP मूवमेंट है और त्यौहार का समय है तो पुलिस के लिए चुनौती है कि किसी भी तरीके से एक तो सिक्योरिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं आए और साथ ही साथ लोगों को असुविधा ना हो तो इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स को इसी के लिए ब्रीफ किया गया है कि आम जनता को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आईजी विजय सिंह मीणा। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से देव दीपावली का कार्यक्रम होना है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए, कोरोना काल की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। हरिंग के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।